Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड जो कि 15 अगस्त पे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके वीकेंड कलेक्शन की, क्योंकि आज इसका वीकेंड कंप्लीट होता है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा वीकेंड इसको देखने को मिला था, इसका वीकेंड 5 दिन का था, क्योंकि ये वेडनेसडे को रिलीज हो गई थी यानी कि 15 अगस्त पे। दोस्तों ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई, और इसके पहले दिन का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। इसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैसिव थी, जो कि 25.25 करोड़ मानी गई। दोस्तों आपको बता दें कि इसके दूसरे दिन का कलेक्शन 8 करोड़ ही रहा, वो भी एक वैलिड रीज़न की वजह से, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया था, और इसी वजह से पूरा इंडिया शोक मना रहा था, तो वहीं पर कई सिनेमाघर बंद हुए थे। दोस्तों ऐसे में इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा, लेकिन आपको बता दें कि गोल्ड ने हार नहीं मानी, और अब इसके वीकेंड कलेक्शन की हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और ये अपने 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। आपको बता दें कि इसने अपने दूसरे दिन 8 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन उसके बाद इसने अपने तीसरे दिन यानी कि फ्राइडे को 12 से 13 करोड़ की कमाई की, और उसके बाद भी इसने ऐसी ही कमाई जारी रखी जो कि डबल डिजिट में थी। और अब बात करते हैं आज के कलेक्शन की। दोस्तों आज 5वां दिन है इस फिल्म को, और आज है संडे, और आज के दिन इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज फिर से इसका कलेक्शन एक बार उछाल मारने वाला है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गोल्ड एक बेहतरीन फिल्म है जो कि आप लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं वापस से जगा देगी। आपको बता देते हैं कि आज का इसका प्रेडिक्शन है कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए, और ये उछाल तो वाजिब है क्योंकि अक्षय कुमार की गोल्ड की हर कोई तारीफ कर रहा है, और यहीं पर क्रिटिक्स भी इसको काफी अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्रेडिक्शन है 15 से 16 करोड़ रुपए, और ऐसे ही इसका कलेक्शन कम से कम 65 करोड़ के पार जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये अब 100 करोड़ या 200 करोड़ कब तक पहुंच पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को ताकि आपको मिले बॉलीवुड की खबर सबसे पहले।